Hello students, so today we are going to start with the topic that is function, and this topic is very important. Hum isko bol sakte hain base of calculus. और calculus जो है वो अपने आप में जो है वो बहुत ही vast topic है, इसीलिए कैलकुलस को जो है जेई एडवांस के सिलेबस को कवर करने के लिए हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया. एक हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है हमारे पास में इंटीग्रल कैलकुलस. वेटेज की अगर हम बात करें तो कैलकुलस का 35% से 40% वेटेज हर साल जेई एडवांस के एग्ज़ाम में रहता ही है. अगर हम 2020 जेई एडवांस की बात करें तो पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर टोटल 36 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस जो है वो कैलकुलस से थे. तो कैलकुलस को समझने के लिए फंक्शन की समझ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फंक्शन को समझने के लिए दो टॉपिक हमको आइडिया होना चाहिए. वन इज सम पोर्शन ऑफ सेट्स एंड अनदर इज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. तो फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमको सेट का आइडिया होना चाहिए और रिलेशन बिटवीन टू सेट्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस जो टॉपिक है ये पूरी तरह से लिंक्ड है फंक्शन. फिर फंक्शन के बाद में हम उसका लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन में फंक्शन का यूज़ होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फंक्शन का यूज़ होगा. इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो हम इंटीग्रेशन फंक्शन का करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी फंक्शन यूज़ होगा, एरिया अंडर द कर्व में भी दो फंक्शंस के बीच का एरिया हम निकालेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है, तो इसका स्टार्ट जो है वो फंक्शन से होगा. लेकिन फंक्शन को समझने के लिए जो टॉपिक्स हमको आने चाहिए बहुत ही फंडामेंटल से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो है सेट. सो लेट्स बिगिन विथ सेट्स. तो सेट को हमने जो है वो दो तीन पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सेट थ्योरी, जो कि जो जनरल नोटेशंस होंगे सेट्स के, टाइप्स ऑफ सेट्स, और सेट से रिलेटेड काफ़ी ऑपरेशंस, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड और भी चीज़ें. ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें फंक्शंस में इसका यूज ज़्यादा होगा, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद सेट. इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सेट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? हम बोल सकते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है. और जो सिंबल हम यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज कर्ली ब्रेसेस, ठीक है. वेल डिफाइंड जो टर्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड डिस्टिंक्ट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको एक सेट बनाना है ऑफ स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया, तो उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे जो उस सेट में पार्टिसिपेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स, वो क्या क्या हो सकते हैं? महाराष्ट्र हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, बिहार हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, पंजाब हो सकता है, हरियाणा हो सकता है. लेकिन क्या जयपुर हो सकता है? जयपुर नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जयपुर तो हमको पता है एक सिटी है, वो तो स्टेट नहीं. तो जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पर उस सेट में रखे वो सारे एलिमेंट एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गए. जयपुर उसमें फिट नहीं हो रहा है, लखनऊ भी उसमें फिट नहीं होगा. तो इस तरह से हम सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया बना सकते हैं,
जैसे अनदर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि हमको एक सेट बनाना है ऑफ सिटीज ऑफ स्टेट राजस्थान, तो जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर हो गया, इन सारे सिटीज को हम उसमें रख सकते हैं। लेकिन क्या लखनऊ को हम उसमें रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या पटना को हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या हम बिहार को रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। बिहार तो सिटी ही नहीं है, वो तो एक स्टेट है। तो इन सबको हम शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको क्लियरली बोल दिया गया, वेल डिफाइंड कर दिया गया कि हमको सेट बनाना है ऑफ सिटीज ऑफ स्टेट राजस्थान। राजस्थान स्टेट की ही सिटीज का एक सेट बनाना है, ठीक है? तो क्या कोई अगर बोले कि जयपुर तो कैपिटल सिटी है, क्या हम जयपुर जयपुर 2 बार लिख सकते हैं क्या सेट में? तो हम जयपुर जयपुर 2 बार नहीं लिख सकते हैं सेट में। क्यों? क्योंकि सेट में जो हम एलिमेंट्स रख रहे हैं वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कई बार आप ऐसा कहीं पर लिखा देखोगे कि जो एक सेट है उसके अंदर में रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, उस सेट को मल्टी सेट बोलते हैं और दैट इज बियॉन्ड अवर जेई सिलेबस, तो उसके बारे में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोलें कि लेट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड स्मॉलर देन 8, तो अगर मैं एक कैपिटल अल्फाबेट सपोज करो हमने ए ले लिया और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया, और जो भी एलिमेंट्स जो कि नेचुरल नंबर हैं और स्मॉलर देन 8 हैं उनको हम यहाँ पर एक कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 1 नेचुरल नंबर है एंड स्मॉलर देन 8 है, 2 भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, क्या 8 आएगा? नहीं, 8 नहीं आएगा। तो कर्ली ब्रेसेस को हमने क्लोज कर दिया। तो जनरली जो कैपिटल अल्फाबेट है उससे हम सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है? फॉर अनदर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि लेट से सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड प्रेप लेटर, ठीक है? तो हमने मान लिया कि W जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके एलिमेंट्स हमको लिखने हैं। तो हमने लिखा P, फिर हमने लिखा R, फिर हमने लिखा E, फिर हमने लिखा L, फिर हमने लिखा A, फिर हमने लिखा D, और बस। तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिपीट नहीं किया। क्या हम इस तरह से लिख सकते थे? R पहले लिखते, फिर L लिखते, फिर E लिखते, फिर L लिखते, फिर D लिखते, फिर P लिखते, फिर A लिखते, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? किस ऑर्डर में आपने ऑब्जेक्ट्स को रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीटेड उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर वी कैन ऐड अ पॉइंट जिसको मैं बोलता हूँ बर्थ रिमेंबर पॉइंट। लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट प्लेज नो रोल। किस ऑर्डर में आपने उनको लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड। बस वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, जैसे कि अगर हमको कोई पूछे कि मेक अ सेट ऑफ मेक पर्सन्स ऑन अर्थ, ठीक है? तो क्या हम इसका एक सेट बना सकते हैं? तो डम पर्सन जो है वो कोई वेल डिफाइंड बात नहीं हुई। हो सकता है आप जिसको डम समझते हो वो आपको भी डम समझता हो। तो अगर आपने सेट बनाया तो आपने उसको रख दिया, और उसने सेट बनाया तो उसने आपको रख दिया, या आपके जानने वाले सब लोगों को ही रख दिया। तो ऐसा जो टर्म जो कि वेल डिफाइंड नहीं है उसका सेट हम नहीं बना सकते हैं,
बिकॉज दिस डम पर्सन जो है वो एक वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड टर्म. तो हम यहां से बोलेंगे कि हम जो है इसका सेट नहीं बना सकते. सो वी कैन नॉट मेक सेट. ठीक है, वेल डिफाइंड होना जरूरी है. फिर अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, तो हमारे पास में देर आर थ्री फॉर्म्स. फर्स्ट इज स्टेटमेंट फॉर्म. स्टेटमेंट फॉर्म, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको, उस स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस में रख देते हैं. तो ये जो फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का किसी सेट को, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म. सेकेंड जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई एक सेट है तो उसके एलिमेंट्स अगर ए है बी है तो उनको हम सी डी ई, उनको हम कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं. और रोस्टर फॉर्म का एक और जो नाम है उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म, ठीक. और एक और जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं थर्ड, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि कर्ली ब्रेसेस लिखे, फिर हमने एक एलिमेंट मान लिया, लेट्स से एक्स पी अल्फा आप कुछ भी मान सकते हो, और कॉलन का यूज हम करते हैं जिसको हम रीड करते हैं सच दैट. और ये जो एलिमेंट एक्स है इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लिख देते हैं. तो कॉलन सिंबल का भी यूज करते हैं और कभी कभी एक वर्टिकल लाइन ऐसा भी हम सिंबल यूज करते हैं फॉर, जिसको हम रीड करते हैं सच दैट के लिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8. तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया. अगर हम इसको कर्ली ब्रेसेस में लिख दें तो ये हो गया हमारे पास में स्टेटमेंट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म ये हो गया. अब इसी का अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें, या जिसको हम टेबुलर फॉर्म बोल रहे थे, तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कर्ली ब्रेसेस में लिख दो और उनको कॉमा साइन से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे. तो लेस देन 8 में नेचुरल नंबर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और कर्ली ब्रेसेस में हमने उसको लिख दिया. बेसिकली हमने लिस्टिंग कर दी उसकी, सारे एलिमेंट्स की. तो ये हो गया हमारे पास में रोस्टर फॉर्म. एंड थर्ड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि लेट से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 8. और एन जो है वो हम सबको पता होता है कि एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. और इसको भी अगर हम डिनोट करें रोस्टर फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और चलता जाएगा. एंड सो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. तो हमने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देखा, फिर रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में देखा, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में देखा. इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते थे, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि x इज सच दैट का जो ये जो सिंबल है सच दैट के लिए कॉलन जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह हम एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं छोटा सा, एंड x बिलोंग्स टू n, एंड कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं x इज स्मॉलर देन लेस देन 8. तो इसको हम रीड क्या करेंगे, तो जो हमारे पास में जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसको हम रीड करते हैं सेट ऑफ ऑल. क्या रीड करते हैं हम इसको, सेट ऑफ ऑल.
तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को पूरा अगर मैं रीड करूं, तो हम रीड करेंगे इसको, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज स्मॉलर देन 8। तो यहां पर जो हमने एक सिंबल यूज किया, ये जो ई की तरह जो सिंबल है, ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस तरह से अपन सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली इन थ्री फॉर्म्स, स्टेटमेंट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। और एक और एग्जांपल के लिए सपोज करो कि हम बोलें कि कैपिटल ए दैट इज सेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 17। 6 और 17 के बीच के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो, ठीक है। तो इसको अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहें, तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो S1 है, मतलब S1 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब कि ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं भाई जो स्टेटमेंट फॉर्म होगा वो तो हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में S1 लिख दिया, मतलब कि ये कोई एलिमेंट नहीं है, S1 हम इस पूरे स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास में स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। अब इसका अगर हमको रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए तो हमको एलिमेंट्स चाहिए, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 17, बिटवीन 6 एंड 17, तो 6 तो नहीं आ सकता क्योंकि बिटवीन बोल रहा है, तो वी कैन स्टार्ट विद 8, 10, 12, 14 एंड 16, तो ये आ गया हमारे पास में रोस्टर फॉर्म। और अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या जाएगा हमारे पास में, सेट बिल्डर फॉर्म वो हो जाएगा हमारे पास में लेट से एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, कॉमा लगा दो यहाँ पर, और एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 14, और कर्ली ब्रेसेस को आप क्लोज कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन नोटेशंस जो हम यूज़ करते हैं उसको हम एक बार लिस्ट कर लेते हैं। तो कॉमन नोटेशंस में हमारे पास में जो सबसे पहला है वो है कर्ली ब्रेसेस, इसको हम जो रीड करते हैं वो क्या रीड करते हैं, सेट ऑफ ऑल, ठीक है। जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी और भी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेट को, ठीक है। और स्मॉल ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड स्मॉल में जो लिखे हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स को, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ए इज स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिंपली ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसको जब हम रीड करेंगे तो हम बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है कि ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे कि अगर मुझे लिखना है कि स्मॉल बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, तो अगर मुझे ये लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी एप्सिलॉन का हमने सिंबल बनाया और उसको जो है
कट कर दिया एंड कैपिटल बी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, या फिर इसका मतलब हो गया कि बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो हर बार इतना लिखने के बजाय हम डायरेक्टली इतना सा लिख सकते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। तो एप्सिलॉन का सिंबल और उसको कट कर दिया, तो इसका मतलब होगा कि बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बोले कि लेट्स से एक सेट हमने मान लिया कैपिटल ए और उसके अंदर में हमने लिख दिया 1, 2, 3, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक बात है, 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक बात है, 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो वो ट्रू होगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये तो गलत बात होगी। तो डज नॉट बिलोंग, आई होप क्लियर है बात, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम यूज करते हैं जनरल प्रैक्टिस में। सो नेक्स्ट वी हैव कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो इसको अगर हम एग्जांपल से ही समझें, लेट्स से ए जो है वो हमारे पास में एक सेट है 1, 3, 5, 7, 9। सो ए इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 11, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से लिख रखा है। तो इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो एन ऑफ ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो अगर हम सेट ए का कार्डिनल नंबर पूछें या कार्डिनलिटी पूछें तो जितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके आप लिख दो, तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, 5 हैं। इसको डिनोट करने का एक और सिंबल जो यूज में आता है वो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आप एक और लिख दो, उसका मतलब भी ये है कि दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। बट जनरली यही सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, लेट से बी जो है वो एक सेट है जो डिनोट कर रहा है लेटर्स इन द वर्ड, लेटर्स इन द वर्ड मलयालम, मलयालम YALAM, ठीक है, ये जो है वो लेटर्स इन द वर्ड मलयालम, इसका हमको एन बी बताना है। एन बी का मतलब क्या हुआ कि हमको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी सेट को लिख लेते हैं एलिमेंट फॉर्म में, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पर एम दो बार आ रहा है, तो हमको तो एक ही बार लिखना है क्योंकि हमको रिपीटेड वैल्यूज जो है, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हम सेट में नहीं रखते। ए अगर हम देखें तो यहाँ पर तो 4 बार है, हमको एक ही बार रखना है। एल जो है 2 बार है, बट वी हैव टू कीप इट वंस, और वाई एक ही बार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ से हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो हमारे पास में सेट बी आ गया। अब इस सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो एन बी कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 4। तो हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दैट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग,
ठीक है, तो जो पी जो है वो क्या बोल रहा है, इसको अगर हम रीड करें तो जो फर्स्ट है, पी इज अ सेट, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन, ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पी जो है इसको अगर हम पहले अगर हम सेट लिखें तो इसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका स्क्वायर जो है वो 30 से छोटा होना चाहिए। तो वन एक नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर जो है वो 30 से छोटा है, टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा, फोर भी आ जाएगा, फाइव भी आ जाएगा, क्या सिक्स आएगा? नहीं, क्योंकि सिक्स का जो स्क्वायर है वो तो ग्रेटर देन 30 हो जाएगा, दैट इज 36। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इसमें कितने हैं? फाइव हैं। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी फाइव है, तो जो कार्डिनल नंबर है सेट पी का वो फाइव हो गया हमारे पास में। इसी तरह से जो सेकेंड सेट है क्यू, उसमें बोल रहा है एक्स इज सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 20। अच्छा, 20 का फैक्टर है, तो अगर हम क्यू सेट को लिखें तो हम लिख सकते हैं यहां से रोस्टर फॉर्म में, क्यू में वन इज अ फैक्टर ऑफ 20, टू इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 20, फोर, फाइव, 10 एंड 20, और तो कोई नंबर होगा नहीं। तो यहां से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू वो कितने हैं हमारे पास में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्यू जो है हमारे पास में वो कितना आ गया, सिक्स। सो दैट इज अवर आंसर। अगर हम बात करें नेक्स्ट, वी हैव इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो इसको अगर हम समझें, इक्वल सेट को अगर हम पहले समझें तो हम बोल रहे हैं कि सेट ए एंड सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अच्छा, तो सपोज करो कि हमारे पास में एक सेट ए है, दैट इज ई ए आर टी एच, एक वर्ड था अर्थ और उसके जो लेटर्स उसमें यूज में आ रहे थे वो, उसका हमने एक सेट बना दिया। और एक सेट ले लिया हमने बी एच ई ए आर टी हार्ट। अब आप देखो तो जो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं क्या सेम एलिमेंट सेट बी में है? इसमें ई है ए है, ए है आर है, टी है एच है, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, और इसको डिनोट करने का जो तरीका है दैट इज ए इक्वल टू बी। तो यहां पर हमने एक चीज देखी कि एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी वो भी सेम है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है फिर? इक्विवेलेंट सेट होता है ए एंड बी टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर इज सेम। अगर उनका कार्डिनल नंबर जो है वो अगर सेम है तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और उसका जो सिंबल है, मतलब कि ए इज इक्विवेलेंट, तो ये डबल साइडेड एरो हम लगा देते हैं, तो इसको हम रीड करेंगे ए एंड बी आर टू सेट्स विच आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेट से ए हमने एक सेट ले लिया वन टू थ्री, बी इज सेट लेट से अल्फा बीटा गामा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है क्या? हाँ, दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स हैं, तो देयर फोर वी कैन से दैट ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ
ए सेट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेट बी, डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं, लेट से सेट ए है हमारे पास में 3, 5, 7, सेट बी है हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल 5, 3, 7, क्या ये इक्वल सेट है? इक्वल सेट है, हमको बताना है इक्वल और इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हमको कैटेगराइज करना है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा ऐसा नहीं जरूर। ठीक है, सेकंड अगर हम बोलें कि लेट से सेट ए है हमारे पास में 8, 6, 10, 12, बी जो सेट है वो है हमारे पास में 3, 2, 7, 9, क्या ये इक्वल सेट है? नहीं, ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है। एन ए इज इक्वल टू एन बी को ये फॉलो कर रहा है, ये एन ए इक्वल टू एन बी को तो फॉलो कर ही रहा है, उसके साथ साथ ईच एलिमेंट ऑफ ए, इस वाले की बात कर रहे हैं, is same as element of set B। ये हम first example की बात करें जिसमें कि हमने equal set की बात की, तो cardinal number तो same है, उसके साथ साथ हर एक element भी same है, क्योंकि हमको पता है sets में order of element का कोई role नहीं है। ठीक है, फिर एक और example देखते हैं, let's say ए जो है वो डिनोट कर रहा है लेटर्स ऑफ द वर्ड मेंबर, एक वर्ड है मेंबर उसके लेटर्स। बी जो है वो डिनोट कर रहा है लेटर्स ऑफ द वर्ड रीमेंबर। ठीक है, तो क्या ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है? तो इक्विवेलेंट तो है नहीं है, ये तो देखने के लिए हम सेट ए को पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो जो भी एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं उनको नॉन रिपीटेड वे में हम लिख लेंगे। तो एम एक बार आ गया, फिर ई आ गया, फिर बी आ गया और आर आ गया, बी आ गया और आर आ गया। इसी तरह से सेट बी को अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं सेट बी में क्या क्या आ जाएगा, आर आ गया, फिर ई आ गया, फिर एम आ गया, फिर से ई है, फिर एम है, फिर बी है, फिर ई है, फिर आर है, तो ये आ गया। और सेट बी की जो कार्डिनलिटी है, मतलब जो कार्डिनल नंबर है वो तो सेम है 3, तो इक्विवेलेंट तो ये हो गए। पर क्या हर एक एलिमेंट भी सेम है? हर एक एलिमेंट भी सेम दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी सेम है एंड ईच एलिमेंट इज आल्सो सेम, सो वी कैन से इक्वल सेट। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो टाइप्स ऑफ सेट में जो पहला हमारे पास में है दैट इज एम्प्टी सेट, इसका एक और नाम है वॉइड सेट, या फिर इसी को हम बोलते हैं नल सेट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट का डेफिनेशन अगर हम बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब कि उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, एक ऐसा सेट जो कि खाली है। तो इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं, सिंबल इज 5, ऐसा 0 लिख के और उसको कट कर दिया 5, या फिर
ब्रेसेस में कुछ भी नहीं लिखा, कर्ली ब्रेसेस लिख दिए हमने पास पास और उसमें कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? जीरो हैं, तो कार्डिनलिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। एक चीज जो कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर नोट करके लिख लो, नोट दैट दैट phi इज नॉट लाइक दिस। सो phi को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। phi और नल सेट जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका तो मतलब हो गया कि इसके अंदर में एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जीरो है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये कई बार गड़बड़ स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और फाई का मतलब जीरो नहीं होता है। फाई तो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो तो हमारे पास में एक नंबर है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ए इज अ सेट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 7 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू 5 और एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। इस तरह से हम लिख देंगे कि भाई ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि 6 और 7 के बीच में हो। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नल सेट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट में हम लिख सकते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है, अ सेट contains single element, only one element, एक ही element है उसमें, तो उसको हम singleton set बोलते हैं। For example हम बोल सकते हैं कि A is a set of all x such that x is neither prime nor composite। तो हमको पता है इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि x जो है वो केवल और केवल ऐसा x जो है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है हमारे पास में ओनली वन। तो a जो है वो क्या आएगा? केवल वन आ जाएगा। तो एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर जो है वो वन है, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। डबलटन एक टर्म यूज होता है, एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसकी डिटेल्स में जाना जरूरी नहीं है। हम बोल रहे हैं कि बी इज अ सेट सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1728। तो एक्स अगर एक नेचुरल नंबर है तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा? बी में जो एलिमेंट है तो 1728 इज क्यूब ऑफ 12। तो यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट आ रहा है, सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 1। तो ये भी क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट हो गया। एक और एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर हमको पता है दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 2। सो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो
अगर हम यहाँ पर लिखे हैं तो हम बोल सकते हैं नोट दैट एम्प्टी सेट जो है क्या वो फाइनाइट सेट होता है? हाँ होता है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। भाई जो एम्प्टी सेट है उसका कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ फाई एम्प्टी सेट इज जीरो, तो ये तो एक फाइनाइट नंबर है जीरो। अनदर एग्जाम्पल वी कैन से द सेट ऑफ ऑल कलर्स इन रेनबो। रेनबो में जो कलर्स होते हैं उनका अगर हम एक सेट बनाएं तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, तो ये भी जो है हमारे पास में सेवन कलर्स होते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। क्योंकि अगर मैं इसको कलर कैपिटल सी से अगर मैं डिनोट करूं तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो एक फाइनाइट नंबर है सेवन, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया हमारे पास में। फॉर अनदर एग्जांपल लेट्स से एम, एम नहीं लेते हैं एम ले लेते हैं, एम इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 100। इसका अगर हम सेट लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो हम लिख देंगे 1 2 3 4, और लेस देन 100 है, लेस देन इक्वल टू 100 होता तो 100 भी आ जाता, तो 99 तक ही जाएगा। तो इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंटेबल हैं, फाइनाइट हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास में दैट इज इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट नाम से ही हमको पता चल रहा है, द सेट हूज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड, बेसिकली जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि बी इज अ सेट एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 2n। और वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो सारे जो है यहाँ पर इवन नंबर्स का हमने सेट, उसको जो है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेट।